भाई तो सब पैदल जाते हो, लेकिन आज देश में बीजेपी की सरकार रही, प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही तो गांव तक सड़क भी बन गया। अब तो कोई पैदल चलते ही नहीं है, हाट बाजार भी अब गाड़ी से लोग जाते हैं, मेला भी गाड़ी से लोग जाते हैं, और भाव को लाने के लिए तो गाड़ी से जाएंगे ही जाएंगे। होता है कि नहीं होता है बताओ, ये किया कि नहीं किया बीजेपी की सरकार ने? तो कांग्रेस ने तो 7 साल तक इस देश में राज किया था, चाहे तो 60 वर्षों में पहले ही सड़कें बना दिए होते, नदी नाला में पुल पुलिया बना दिए होते, लेकिन 60 वर्षों तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड के जो नेता है अपने को कहते हैं, ये लोग उन्हीं लोगों के साथ रहे, आज भी उन लोगों के साथ, पहले भी उन लोगों के साथ, तो इन लोगों की दोस्ती बड़ा है पैसे के लिए। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, जिन्होंने आपकी चिंता करते, गांव की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, आप उनको साथ देना, उनको वोट देना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आप देखिए कोरोना के काल में कल कारखाने बंद हो गए, गाड़ी आना जाना बंद हो गया था, लॉकडाउन हुआ था, लोगों को लगता था कि कैसे जिएंगे, कैसे बचेंगे, बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक भी आना पहुंचे, गरीबों के जनधन खाते में पैसा भेजे, और साथ ही प्रत्येक महिला प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मुफ्त में अनाज भी भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज अफसोस होता है झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार गरीबों को जो अनाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, वो अनाज भी गरीबों के घरों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, उसको भी काला बाजारी में बेच देते हैं। दूसरी जगह की बात छोड़ दीजिए, अगर आप जहां से हेमंत सोरेन विधायक है बरेड़ से, उस पत्ता में पहाड़िया लोगों को रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने डकिया योजना शुरू की, ये लोग पहाड़ में रहते हैं तो वहां तक उनको घर तक पहुंचा दिया जाएगा अनाज, घर तो पहुंचा नहीं, सब अनाज बाजार चला गया, बाजार में सब बेच दिया। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, वो कहते हैं कि इस देश में जो देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं अनेकों काम किए, गरीबों के घरों तक गैस की चूल्हा गैस भी पहुंचा दिए। बहुत सारे मित्र लोग कहते हैं गैस महंगी है, हमने कहा कि चलो महंगी है, मैं कहा कह रहा हूं सस्ती है, लेकिन पहले तो वो भी गैस नहीं मिलता था। अब याद करिए 1998-99 पहले जब कांग्रेस की उससे पहले जब सरकार होती थी, हम भी आप ही के प्रयास से यहां से आप लोगों ने हमें एमपी बनाया था, उस समय तो एमएलए एमपी के यहां पैर भी लोग करते थे तो गैस चूल्हा और गैस का कनेक्शन मिलता था। बात सही है कि नहीं बताइए, उस समय ये हालत थी। और उसके बाद भी हाथ पे यहां कुसुम गैस एजेंसी था, वह लॉ एंड ऑर्डर पैदा हो जाता था, पुलिस को खड़ा करना पड़ता था जब बांटने के समय, लेकिन अब तो कोई दिक्कतें नहीं है, अब तो घर घर पहुंच जाता है, जितना चाहो उतना ले सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को तो एक बार फ्री में ही उपलब्ध करा दिए। आज देश में मोबाइल भी कितना सस्ता हो गया, यानी नेट कनेक्टिविटी, घर बैठ करके लोग सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हमें याद है कि पहले कोई टेलीफोन से बात करते थे घर से लोग, तो कहना पड़ता था कि उतने ही बात करो पैसा उड़ जाएगा, होता था कि नहीं, कि आप लोग सब भूल गए। उस समय पतिदेव को कहना पड़ता था कि उतना ही बात करो, नहीं तो बहुत पैसा उड़ जाएगा, बिल उड़ जाएगा, मोबाइल कट जाएगा। लेकिन मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो आप तो 280 टका रुपया में भर लेते हो, महीना दिन जितना बात करना हो, बच्चे से बात करो, पत्नी से बात करो, दोस्तों से बात करो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो बल्कि कहना पड़ता है कल काम सवेरे काम में जाना है, इसलिए आप सोना है, इसलिए आप टेलीफोन रख दीजिए, मोबाइल रख दीजिए। यदि आज अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए अभी इसको भी सस्ता कर दिया,
क्योंकि हम आज अगर हरवा हो चरवा हो सबके पास सबके हाथों में ये उपलब्ध है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए मैंने लोगों आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जो एक और गरीबों को राशन दे रहे हैं, गरीबों का इलाज ठीक से हो, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, लेकिन झारखंड में वो सुविधा भी झारखंड के गरीबों को नहीं उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री तो चाहते किसानों के खाते में, भी आपको बता रहे थे साल में 6000 रुपया भेज रहे, लेकिन यहाँ के किसानों को तो भड़का करके उनको अलग करते हैं। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज झारखंड में सरकार है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, वो चोरी हो रही है, डकैती है, हत्या अपहरण हो रही है, बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, कहीं पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिए जाते हैं, मार करके पेड़ों में टांग दिए जाते हैं, मार करके बच्चों को 50 टुकड़ों में फेंक दिए जाते हैं, अपराधी देख पाप हो करके अपराध करते हैं, और डरे हुए हैं सहमे हुए तो आम जनता डरी हुई है। और लोग कहते हैं हिम्मत है तो हिम्मत है तो किससे हिम्मत है, कैसे हिम्मत है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई, पुलिस घर क्या रही है। इस झारखंड प्रदेश में जो पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, चोरों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, लेकिन आज पुलिस को तो किस काम में हेमंत सोरेन ने लगा दिया है कि वसूली में लगा दिया है। कहीं घर की तस्करी होती है, आप चले जाइए, कल मैं जा रहा था शिकारी पाड़ा, उस रास्ते से हमने देखा कि हजारों की संख्या में, और पुलिस वालों उससे भी पैसे वसूलते हैं रोकने के बजाय। हम कोई सच झूठ बोल रहे हैं क्या, बताओ जो सच्चाई है। आप देखे इलीगल पत्थर की ढुलाई होती है, लीगल नहीं चलता है, कानूनी रूप से नहीं चलता है। इसलिए भाई और बहनों मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है झारखंड में कानून की राजा स्थापित हो, तो ये पहली शर्त है कि हेमंत सोरेन को सोर्सेस से हटाना होगा। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। आज झारखंड में भ्रष्टाचार, अब सरकार की कोई भी दफ्तरों में जाएंगे बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पहले तो आपको दर्जनों भर ऑफिस की दौड़ लगानी पड़ेगी, फिर पैसा जाता है।